बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, हमने पहले किया था फेल माजी, और फेल माजी वो फेल होता है कि जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि दूसरा हमारे पास फेल होता है फेल मुदारे। अरबिक में आपको ये एडवांटेज है कि ज़माने तो यहाँ पर भी तीन ही होते हैं, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन गुजरे ज़माने के लिए फेल होता है माजी, और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए मज़ारे होता है। यानी एक आप फेल याद करेंगे तो आपका दोनों में काम आ जाएगा। यानी इसके मुस्तकबिल के लिए आपको अलग से नहीं गर्दान याद करनी पड़ेगी, बल्कि फेल मज़ारे में मौजूदा ज़माना और आने वाले ज़माने दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो फेल मुदारे कौन सा फेल है जो मौजूदा ज़माने और आने वाले ज़माने दोनों को जाहिर करें। अभी हमने मुदारे की गिरदान सीखनी है, तो मुदारे की गिरदान में सबसे पहले आप देखें कि अलामात मुदारा, यानी कुछ अलामात हैं जिनको देखते साथ आपको गिरदान में देखें अगर, या वैसे सीगा दिया हुआ हो, तो ये अलामात जब शुरू में देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये फेल मुदारे का सीगा है, चाहे आपको गिरदान ना भी आती। तो ये अलामात मुदारे चार हैं, एक है या, एक ता, एक अलिफ और एक नून। यानी माजी से मुदारे बनाते हुए हमने सबसे पहले ये अलामात मुदारे लगानी हैं, और ये कितनी कितनी जगहों पर है, या चार जगहों पर आएगी चार सीगों के साथ, ता आठ सीगों के साथ, अलिफ या हमजा एक के साथ, और नून दो के साथ। ठीक है, अब बनाने का तरीका देखें कि जैसे आपने पढ़ा है ना जहबा, ठीक है, ये है जहबा, फेल माजी है जहबा, वो हो गया। अब इसे आपने मुदारे बनाना है, तो शुरू का जो मुफरिद मुजक्कर गायब है उसके साथ या लगता है, या पहले लगाएंगे और उसके साथ जुड़ जाएगा थे। ठीक है, या अब आप देखें कि यज़हबा ये कितना मुश्किल है पढ़ना ना, तो ये जब शुरू में लगेगा तो फिर जो पहला उस वक्त हर्फ था वो साकिन हो जाएगा, उसके ऊपर जज़म आ जाएगी यज, और जो आखिरी है हर्फ वो मरफू हो जाएगा यज़हबो, ज़हबा से यज़हबो, दाराबा से या दरेबो, अराबा से या अरबो। ठीक है, तो कतबा से या कतोबो, जहाबा से यज़हबो, जहाबा से क्या होगा यज़हबो। अब ये थोड़ा सा ये है कि आपने अलामात लगानी है, बाकी मुख्तलिफ फाल के जो तरीके होते हैं वो जो अराब हैं या अलामात हैं वो डिफरेंट ही होती हैं। वो ये है कि रटे सी आपको याद होंगी, लेकिन फेल मुदारे की गिरदान याद करने में मेरे ख्याल में माजी से ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सीगे जो हैं वो ही रिपीट होते हैं। अभी आप देखें पैटर्न इसका वही है, मुजक्कर मुफरिद मुजक्कर गायब के लिए यज़हबो, तस्निया वो जाता है या जाएगा, इसका ये ऐसे ट्रांसलेशन करनी है, यज़हबान है वो दो मुज़क्कर जाते हैं या जाएंगे, यज़हबूना वो सब मुज़क्कर जाते हैं या जाएंगे। फिर मुअन्नस आ गया तज़हबो, खाली या किस में चेंज जाएगा ता में, तज़हबो वो एक मुअन्नस जाती है या जाएगी, तज़हबान है वो दो मुअन्नस जाती हैं या जाएंगी, और जमा क्या है यज़हबना, अब तज़हबना नहीं है यज़हबना, वो ये हालांकि अच्छा मैं लड़कियों को समझाने के लिए बताती हूँ कि या जो है वो मोस्टली मुज़क्कर की अलामत है, लेकिन यहाँ पर जमा मुअन्नस के साथ या इस वजह से आया है कि बहुत सारी औरतें मिलकर मर्दों के बराबर हो जाती हैं। आप अपने माइंड में ये रखोगे तो आपको फिर ये याद हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इस सीगे के लिए, ये कोई वो रूल नहीं है, ये तो मैंने ऐसी याद करने के लिए आपको बताया। तज़हबो तज़हबान यज़हबना, फिर है मुज़क्कर हाजिर के लिए तज़हबो, ये मुअन्नस गायब और मुज़क्कर हाजिर एक जैसे हैं। ठीक है, तज़हबान है ये भी वैसे ही है, वो दो तुम दो, तुम दो मर्द जाते हो या जाओगे,
तज़हबूना, तुम सब मर जाते हो या जाओगे। फिर मोनस के लिए क्या है, तज़हबीना, तुम एक मोनस जाती हो या जाओगी। तज़हबाने, आप देखें तज़हबाने तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तज़हबना, तुम सब मोनस जाती हो या जाओगी। आप देखें ये यज़हबना था ना, तो ये तज़हबना है, ये याद रखें। ये यज़हबूना है तो ये तज़हबूना है। इनका जो यानी साउंड एक जैसी है ना, यज़हबूना तज़हबूना, यज़हबना तज़हबना, ठीक हो गया। फिर मुतकल्लिम है जी, अज़हबो, मैं जाता हूँ या जाऊँगा, ये एक के साथ, सिर्फ एक के साथ अलिफ आएगा। नज़हबो, हम सब, हम दो जाते हैं या जाएंगे। नज़हबो, हम सब जाते हैं या जाएंगे, यानी नून दो के साथ, अलिफ एक के साथ, चार के साथ या, और बाकी सब के साथ ता। इसको भी याद करने का जो तरीका है वो रटा ही है, ऐसे कोई मैजिक नहीं है कि जिससे ये आ जाए। यज़हबो यज़हबाना यज़हबूना, तज़हबो तज़हबाना यज़हबना, तज़हबो तज़हबाना तज़हबूना, तज़हबीना तज़हबाना तज़हबना, अज़हबो नज़हबो नज़हबो, ठीक है। ये आपने याद करनी है, और साथ में मैं आपको फेल देती हूँ, जैसे यदरिबो यदरिबो, मैं बना के दे रही हूँ, इसकी गर्दान करनी है। यग़सिलो यग़सिलो, ठीक है, यग़सिलो यद्रिबो और यग़सिलो, ये दोनों गर्दानें आपने करनी है और मुझे दिखानी है और ये याद करनी है। और ऐसे होगा कि मंडे को ऑनलाइन आके, इतना मुश्किल नहीं, मैं 12 लोगों से सुन सकती हूँ। आप जिस वक्त मुझे ऑनलाइन देखें ना, प्लीज़ मुझे बेल देना, तो मैं आप लोगों से लाइव सुनूंगी, ठीक है।